कोरोना एक बार फिर लंबे अरसे के बाद वापस लौटता नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसका प्रकोप बरेली में भी दिखने लगा है, जहां फिर धीरे धीरे कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि अभी तक जिले में सभी कोरोना संक्रमित खतरे से बाहर है, लेकिन केस जरूर लगातार बढ़ रहे हैं, जिनका आंकड़ा जिले में अब बढ़कर 52 पहुंच चुका है। वहीं अगर आज की बात कर दें तो बरेली में पॉजिटिव केस 19 निकल कर आए हैं, साथ ही पूरे जिले में 44 कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है, जिनमें से 6 मरीज जिले के बाहर के हैं। एक कोरोना संक्रमित सेना के अस्पताल में भर्ती है। इस बीच राहत की बात यह है कि अभी तक जिले में इतने संक्रमित होने के बाद भी किसी की मृत्यु तक नहीं हुई है। इन कोरोना संक्रमितों को लेकर सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि जिले में 52 संक्रमित हैं। स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन से लेकर मरीजों को भर्ती करने का पूरा इंतजाम किया गया है। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे संक्रमण ज्यादा न फैल सके और लोग इसके संक्रमण से बच सकें। बाहर से आने जाने वालों की जांच की जा रही है, कोविड जांच का दायरा बढ़ाया गया है। 52 केस पॉजिटिव हैं इस समय, वर्तमान में एक्टिव केस हमारे पास 44 होम आइसोलेशन में और 7 केस जनपद के हैं। कोई अभी डेथ नहीं हमारे जनपद में, कोई अभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। मिलाकर के हमारी जाँच का दायरा बढ़ाने से केसों की संख्या बढ़ रही है। हम लोग पूरी तैयारी है, मेडिसिन की पूरी व्यवस्था है, जांच बराबर करते हैं और जो हमने सैंपलिंग बढ़ाई है, सैंपलिंग की वजह से हमारे और भी हम लोग सीएससी पीएससी पर एक्टिव बेडों की व्यवस्था कर रखी है। 300 बेड का अस्पताल हमारा रेडी है और सब सारे अलर्ट मोड पर है, कोई ऐसी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए हम लोग मैगमा बोटिंग अभी कर किए थे, सारी तैयारी हमारी पूरी है।